हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज के सुबह की 6:30 और मैं अभी जा रही हूँ मेरी वॉकिंग और एक्सरसाइज करने के लिए। तो मेरे लिए मैं पानी गर्म करके पी के जाती हूँ। लाइटर ख़राब हो गया है तो माचिस से जलाना पड़ता है। माचिस से मेरे को इतना डर लगता है, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी फटाक से पानी गर्म करके पी लेती हूँ क्योंकि टाइम हो गया। इसलिए जस्ट आई हूँ और थोड़ी देर तो धूप में बैठी, अच्छी लग रही थी सुबह की एकदम मीठी मीठी धूप। बाकी धूप में तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर सुबह की धूप लेनी चाहिए क्योंकि कहते हैं। तो आज टाइम भी थोड़ा मिल गया तो सुबह सुबह धूप में मस्ती से बैठी थी 5-10 मिनट। फिर अभी आ गई हूँ घर पर और थोड़ा सा रेस्ट और फिगर का काम। मैं एक्सरसाइज करके आई, इसके बाद मुझे वापस से नींद आ गई थी क्योंकि मैंने मेरी वॉच में ट्रैक किया था। मैं सिर्फ 5.5 घंटे ही सोई थी, तो आधा घंटा तो क्या ही कह सकते हैं, 20 मिनट ऐसे कुछ मुझे झपकी लग गई। फिर मैं वापस से उठी, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, दूध बनाया हल्दी वाला नॉर्मल दूध, और चाय पापा के लिए, और नाश्ता वगैरह सब कंप्लीट करा। और इतने में हमारी मैडम आ गए हैं ये खेल खेल करने के लिए। सुबह सुबह इधर लाओ ना, इधर लाओ। हेलो फ्रेंड्स बोल दो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, इधर इतना नीचे नहीं ऐसे करके। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो फ्रेंड्स, आवा आवा इधर लाओ ना, इधर लाओ। बापले हिम्मू अब तो आज अलग अलग देख लिया, व्लॉग पे नहीं, इसलिए इसके शाशा के पास जा रही है दौड़ के। और वो भी क्यों जा रही है, फोन की लालच में। अरे ये क्या बात होती है, शाशा आते हैं तू भाग जाती है। शाशा का कॉम का है, कॉम का है शाशा का, ये तो फोन है। वो चुकु चुकु फोन उठाओगे तो अब करते हैं थोड़ी सी हिम्मी के साथ मस्ती और फिर अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसको भी खिलाएंगे। अभी तो काजू बादाम हम खा रहे थे, सिर्फ एक काजू एक बादाम खाया, उसमें आधा आधा खाया और दो से खेल रही थी उछाल उछाल के। और धीरे 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 चेक कर रही है, टच कर करके वापस सो रही है मेरी गोदी में आके। इसके शाशा इसको कुछ कह नहीं दे यूं करके। और कल वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा हिम्मी का स्वरूप कितना ज़बरदस्त था। अगर नहीं देखा है जाके देखो, आने के लिए इसकी जिद तो देखो। ओ नो नने नन्या नो हेलो आवा हेलो फ्रेंड्स बोलो। आई आ लव वा यू यू आई बोलो आ। अच्छा चलो अभी इसको खेलना है तो इसके साथ खेल लेते थोड़ी देर। मैं हो चुकी हूँ नहाकर रेडी। आज मैंने हेयर वॉश किया है, कल रात को मम्मी से करवा दिया था हेयर में ऑयल। और आज हमको थोड़ा बाहर भी जाना है इसलिए मैंने साड़ी ही वेयर की है। और अभी तक फिक्स नहीं है जाना भी है कि नहीं जाना है, अगर फिक्स हुआ तो मैं आपको बता दूँगी। और अभी मैं बना देती हूँ लंच, तो चलिए आप किचन में। खाना खा लिया है, खाने में बनाई थी मूँग की दाल रोटी और चावल। और अब मैं जा रही हूँ शॉप पर क्योंकि आज लेट भी हो गई हूँ और साथ में शॉप में कस्टमर भी है चिकू भी आ गए लेने के लिए। एक मिनट है, घड़ी पहन के आ रही हूँ। मैं विटामिन बी का मेरा स्किन केयर कर रही थी, इतने में चिकू आए। और चिकू इनके जो पीयूष बंसल की दुकान से बनवा के हैं चश्मे वाले के, दिखाओ सामने। हाँ जोरदार दिख रहे हो, ये और एक ये पीयूष बंसल की दुकान का। पर सर्विस बहुत फास्ट है, फटाफट आ गए बन के। 3 दिन में आ गए, ज्यादा नंबर नहीं है। नहीं वही है, लग गए बिल्कुल। हमको कहीं जाना है तो फाइनली वो डिसाइड हो गया है, हम जा रहे हैं। और चिकू मेरे को लेने के लिए आ गए और मैंने विटामिन बी की पूरी सीरीज ले ली है।
बैठो। ओ बाहर सीट बहुत गर्म है। टीटरी का कलर ही चेंज हो गया, ग्रीन से पर्पल हो गया। अभी हम निकल रहे हैं खैरवाड़ा के लिए, मामा के घर जा रहे हैं और चिकू के फ्रेंड के वहाँ पर, और मेरी कज़िन सिस्टर भी, चिकू के फ्रेंड और मेरी कज़िन सिस्टर का घर है, तो उनके बेबी की ढूंढ थी तो हम जा नहीं पाए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे हम उदयपुर चले गए थे तो बिज़ी भी थे इसलिए, पर आज जा रहे हैं और मामा के वहाँ पे भी मिल के आ जाएंगे। तो चिकू चले मामा के घर। और अभी हम लोग निकल गए हैं, मैं, मम्मी, चिकू, मम्मी ये रहे, चिकू ये रहे, और ये मैं, और ये हमारा रास्ता, और ये हमारी गाड़ी, और हम ये जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं मामा के घर पे, एक बार मामा के घर पे थोड़ी देर रुक के फिर जाएंगे। अभी हम जहाँ पर फंक्शन अटेंड करने आए थे पर नहीं हो पाया, पर अभी हम डिले में जा रहे हैं। ओ मासी पासा आवीर पासा आवंगा एम करीने। हम जैसे ही निकले मामी आ गए, पर एक बार वहाँ जाने के लिए निकल गए थे, वहाँ जाके आ जाते फिर आके यहाँ पर रुकेंगे। तो हम जहाँ पर चुके गए फ्रेंड और मेरे जीजू के वहाँ आए थे, वहाँ पे तो हमने मिल लिया है, वापस से जा रहे मामा के वहाँ पर, और मम्मी वहीं पे हैं तो सीधा वहीं जाके फिर थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे फिर निकल जाएंगे। पापा का भी कॉल इसलिए ही आया था, कब निकल रहे हो। अभी हम निकल गए हैं, खैरवाड़ा गए थे तो, और लगभग ऋषभदेव पहुँचने भी आ गए, पास में ही है, और हाईवे टू हाईवे जाते हैं तो जल्दी पहुँच जाते, जल्दी आ भी जाते, पता भी नहीं चलता है। और मामा के वहाँ पे भी थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर जहाँ पर हमको फंक्शन में हम नहीं जा पाए थे और ऐसे ही मिलने के लिए गए थे वहाँ पे बैठे, थोड़ी देर हुई, और 6:19 हो रही है अभी, और निकल गए रिटर्न, निकल गए यानी 5 मिनट हो गए निकलते निकलते, ऋषभदेव भी आ गया। अभी आ गई हूँ घर पे, और मम्मी का और भाभी का दोनों का फ़ोन आया था, दोनों को क्या पता क्या बात करनी है मेरे से। और ज्योति तो चली गई है आज जल्दी घर पे, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा मैं भी जल्दी आ जाती हूँ, थोड़ा तो रेस्ट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कल रात को मैं ज़्यादा सो ही नहीं पाई थी इसलिए। तो एक बार मम्मी और भाभी से बात कर लेती हूँ। फटाफट बज गई 7 और फिर खाना बनाने बैठी, और खाने में बनाया है मैंने खिचड़ी, और ये मेरी खिचड़ी तो खा लेती हूँ, और हिम्मी भी यहीं पे है, घी डाल देती हूँ ऊपर। सही से बैठो, गिरना मत, बैठ जाओ। तस्वीर देखा ही गिरे साजा, अभी देखा ही तन, पहले नहीं देखा था। लो खाने है मम्मा, लो चलो खा लो निकलो। यम, वाव। यम है। मटर वाले नहीं खा दोने तो, मटर और सिंग नहीं खाए, बाकी सब खाए। लो हाँ शाशा मुँह खोलो, भूलाऊँ पानी चाहिए, भूलाऊँ पानी चाहिए।
लो बुझिए बनाना रे देती रे नहीं गया चलता है चलता है ना चलता है लो चल चलेगा आ कर लो वाह हिमायत तो को तो खाना खिला के अभी मैंने भेज दिया है और चिकू अभी आए हैं खाना खाने के यानी बाल कटवाने के लिए गए थे तब भी आए हैं तो अभी खाना खा रहे हैं और एकदम मस्त लग रहा है सब बाल बाल कटवा के हैं सही सेट अभी बता नहीं सकते कल सुबह बताऊंगी व्लॉग में 5 महीने बाल कटवाए यानी इतना ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जा रहा था तो फिर चिकू ने ऋषभ देव में ही एक प्रॉपर टेलर सॉरी क्या कहते बार्बर ढूंढ लिया और अच्छे बाल काटे हैं क्योंकि उदयपुर जाना और अपॉइंटमेंट लेना और काफ़ी ज़्यादा यानी हमारे हेक्टिक शेड्यूल के साथ सेट ही नहीं हो पाता है क्योंकि जब उसके पास टाइम होता है तो हमारे पास नहीं होता है हमारे पास होता है तो उनके पास नहीं होता है बस वही चीज़ हो जाती है। और मैं साथ ही साथ बता देती हूँ आज जो मैंने स्किन केयर किया है वो मैं विटामिन बी का लेके आई हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से हेल्थ इशू के कारण ये एक्नेस का प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ गया है सो मैंने सोचा कि स्किन केयर चेंज कर देती हूँ और अभी वेदर भी एक्चुअली क्या चेंज हो गया है तो उस वजह से भी हो सकता है बट मैंने 2 ही दिन मैं कल से ही यूज़ कर रही हूँ शॉप पे ही मैंने यूज़ किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो मैं पूरा उसका कॉम्बो ही लिया है उसमें क्या क्या है बताती हूँ मैं आपको एक तो है ये क्लेंजर सेकेंड है ये टोनर विटामिन बी का और थर्ड ये फेस सीरम और फोर्थ है ये फेस क्रीम और फिफ्थ है ये नाइट क्रीम जो कि है कुमकुमादी क्रीम। ये क्रीम स्पेशली डार्क स्पॉट और स्किन लाइटनिंग के लिए ही है बट मेरा जो ये हल्का सा ये स्पॉट्स जो रह रहा है ना वो अनइवन स्किन की वजह से मैंने ये वाला क्रीम यूज़ करने का सोचा और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और विटामिन बी का तो मैंने एक ही दिन में रिज़ल्ट पता कर दिया बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये पूरी मैं सीरीज अब यूज़ करके मेरा फेस अभी आप देख लो 10 दिन में तो फ़र्क पड़ जाएगा मुझे पता है क्योंकि मुझे एक ही दिन में फ़र्क लग गया था इसलिए। खाना खा लिया है तो अब डेजर्ट में ले रहे हैं हम आइसक्रीम तो अभी हम खाएंगे आइसक्रीम चिकू अभी निकाल रहे हैं और चिकू की क्या टेक्निक में चिकू डिवाइड करेंगे राजभोग फ्लेवर खा रहे हैं हमेशा नए नए फ्लेवर्स लाते रहते हैं और बहुत टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम खिलाते हैं। आइसक्रीम के मामले में चिकू का कोई जवाब ही नहीं है यानी टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी खा रहे हैं हम लोग आइसक्रीम और आइसक्रीम मैंने मेरे लिए निकाल दी है और अब इसको मैं इंजॉय करूँगी और यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में ओके बाय।